वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसमें बता व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। मतलब कि कितने 90 डिग्री के एंगल बनाती है जब घड़ी के आवर एंड, आवर की जो सुई है वो 3 to 9 तक जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस सवाल को कनेक्ट करने के लिए मैं एक यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक घड़ी ड्रॉ कर दी, आपने देखी होगी घड़ी, यहाँ पे 12 आता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6 आ गया, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे एक हमारे पास, ये इसका सेंटर आ गया। अब क्या बोलता, अब कैसे सुई हमारे पास कैसे एक रेवोल्यूशन निकल रही है इसके रोटेशन। अब इस सुई ने 9 तक पहुँचना है, यहाँ तक, तो कितने 90 डिग्री के एंगल बनाती है, इस चीज़ को गौर करेंगे थोड़ा, इसको आप डार्क कर ले बेशक, ये 3 है 9 तक। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये घड़ी एक सर्कल की तरह है, तो ये टोटल इसमें कितना होता है, 360 होता है, कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है ये सर्कल की तरह है। अब कितने 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ एक रफ लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे एक सर्कल ये बना इसका, ठीक है, और एक ये बना, तो हाउ मनी एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एंगल्स आर देयर। ध्यान से देखेंगे, एक बार ये ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, तो हाउ मनी 90 डिग्री एंगल आर देयर, कितने 90 डिग्री एंगल है, तो देर आर 2 90 डिग्री एंगल। तो कितने आवर हैंड को रोटेट करने के 2 डिग्री, कितने हैं, 2 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री के 2 एंगल होता तो कितना हुआ, 90 प्लस 90, 180। ठीक है, और इस पूरे का सम कितना है, 360 डिग्री लगाना, ठीक है, ना भूलें, और याद रहे, जब इसको काटोगे तो आसानी से आप कर सकते हो, कितना आया, 1/2 आंसर आ गया। समझने वाली बात है, सिंपल सी वे है, एक 3 पे है, एक 9 पे सू है, 9 पे सुई है। अब आवर एंड क्या, आवर एंड क्या हो रहा है, ये सी सुई क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, जब यहाँ पे रोटेशन हो रही है कितने 90 डिग्री एंगल बना रही है, 1 2, ये 2 एंगल है, तो क्या आया, 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180। और जब मैं उसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या गया, 1/2। ठीक है, वैसा ही मैं बी क्वेश्चन इसका क्लियर करता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप को जो खुद करेंगे, मैं 2 क्वेश्चन आपको क्लियर कर देता हूँ। बी क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, मैंने घड़ी ड्रॉ कर दी, ठीक है, अगेन यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, ये सेंटर आ गया इसका। ठीक है, अब ये सेंटर आ गया, तो क्या हमारे पास कैसे सुई जा रही है, एक 4 पे है और एक हमारे पास कहाँ पे है, ये 4 है और एक यहाँ 7 पे है। अब आपने देखना है कि कितने 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो क्या है, अब अगर आप यहाँ पे, अगर अगर हम क्या करते हैं, एक है, ये ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, अब क्या है, डिजिट गिनेंगे, डिग गिनेंगे हम, ठीक है, 1 2 3, इसके बीच ही है, ये 4 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो वैसे ही मैं चेक करूँगा कितनी रोटेशन हुई, अब जब यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना डिग्री का एंगल बनाया, उसने 1 राइट एंगल बनाया, तो 1 राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और इस पूरे का सम कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला है 7 7 10, तो 7 कहाँ है हमारे पास, ये 7 है और ये 10 है, इस क्वेश्चन की तरह सेम ही आंसर आएगा कि उसकी एक ही 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब है 12 टू 9, जब सुई 12 टू 9 जाएगी तो वहाँ पे आपके कितने राइट एंगल बनेंगे आपने वो चेक करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप कंप्लीट करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, कोई कमी पेशी आएगी, कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो मुझे आप कॉन्टैक्ट करेंगे। बच्चे एक बात का ध्यान रखिए, मैं आपको थोड़ा टाइम के बाद इसलिए लेक्चर डालता हूँ क्योंकि आप लोगों की रिस्पॉन्स मुझे भेजने की लेक्चर जो है वो स्लो है, तो मुझे लगता है आप स्लो लर्नर्स हैं। 3 4 बच्चों ने मुझे 15 दिन के बाद काम बजाई ये बोल के, सॉरी सर हम लेट हो गए थे, इस बात पे हमेशा गौर करना कि साथ के साथ करिए, 2 3 क्वेश्चन ही करें, अभी इस सिचुएशन में थोड़ा कराना आपको टफ हो रहा है। ठीक है, आप साथ देंगे तभी हम करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।